We were doing this chapter of the body fluids and its circulation, right? Body fluids basically that is the blood. Blood already हम पढ़ चुके हैं, ठीक है? Second part हमने इसका and its circulation. Components of the blood, मतलब जो भी चीजें हमने blood related जो है वो सारा कुछ पढ़ लिया. Blood group, RH, ठीक है? वो सब चीजें हमने पढ़ ली हैं body fluids के लिए. That is one type of a body fluid, that is blood. And it's a circulation. Now for circulation, we are studying the circulatory system. In the last period, we have discussed about the types of the circulatory systems. That is the open circulatory system, closed circulatory system, या फिर single circulation and the double circulations. ठीक है? तो ये हमने circulation के related पढ़ा. लेकिन major component जो हमारा circulation में help करता है, that is the heart. ठीक है? So heart is a major structure which is also called as a pumping unit. Pumping unit means which exerts the pressure to pump the blood within our body. So now we have to start with the structure of the heart. Okay, what is the structure of the heart? The heart structure, basically heart is a four chambered structure in the humans. ठीक है, human heart की बात कर रहे हैं हम लोग. So it is a four chambered structure and it is present within the center of your body, but it is tilted bit towards the left. ठीक है, it is tilted. It is present in the center, बिल्कुल ऐसे body का center में present है, लेकिन ऐसा थोड़ा सा left की तरफ tilted. ठीक है, so हम जब यहाँ पे बनाते हैं, इसलिए हम लोग इसमें थोड़ा tilt में बनाएंगे. That is एक slant line dotted बनाओ. Pencil से बनाना क्योंकि आप इसको erase कर पाओ. ठीक है, so this is make a slant line. Then another slant line that which divides this into the one third part. ठीक है, one third above and two third nearly below. ठीक है, this is one third and two third dividing the line. The upper two chambers they represent auricles and the lower two chambers they will be representing the ventricles. Okay, now further we are to make the chambers. So these are the heart chambers. That is the first, that is a heart chamber. It is the auricle. ठीक है, जैसे ही आप auricle से आगे निकलेंगे, that is towards the ventricle, you produce a septum. This is called as atrioventricular septum. ठीक है, दोनों ये बीच में, ये देखो बेटा एक मिनट, इधर देखो, जो हमारी पूरी बॉडी है दैट इज हैविंग दैट सेप्टम्स इन बिटवीन. ठीक है, डिवाइड करने के लिए मैंने अभी ये प्लस लाइन बना दी ना यहाँ पे. ठीक है, तो आप लोगों को ये चार चैम्बर्स में डिवाइड करता हुआ नजर आ रहा है. इसमें चारों एक दूसरे से अलग अलग है. ठीक है, चारों में मिक्सिंग कहीं पे भी नहीं हो रही है, चारों अलग अलग काम कर रहे हैं, चारों का अपना अपना रोल है. ठीक है, जो ऑरिकल और वेंट्रिकल है, यानी ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, दो साइड होगी ना, ऊपर और नीचे, इनके बीच में एक पूरा सेप्टम लगा है जिसको हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम. एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम. ठीक है, एट्रियो एट्रियम को रिप्रेजेंट करता, वेंट्रिकुलर वेंट्रिकल्स को रिप्रेजेंट करता. ठीक है, वो बात बाद की है कि लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड है और राइट साइड में ट्राइकस्पिड वाल्व्स है. ठीक है, बट देयर इज अ सेप्टम इन बिटवीन. सिमिलर इज अ सेप्टम हियर. ठीक है, अब नीचे दो वेंट्रिकल्स हैं, इन दोनों के बीच में लगता हुआ इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. ऊपर दो ऑरिकल्स हैं, इन दोनों के बीच में लगता हुआ इंटर ऑरिकुलर सेप्टम. ठीक है, समझ आ गया? ठीक है, तो ये टर्म्स भी कहीं ना कहीं यूज की जा सकती हैं आपके आंसर्स लिखने में. सो देन यू प्रोड्यूस दिस लेफ्ट चैम्बर इंटू द वेंट्रिकल. द वेंट्रिकल साइड दैट नैरोज डाउन एंड इट हैज अ थिकेंड वॉल. ये बीच में अभी जो मैंने यहाँ पे सेप्टम बना दिया, दिस इज द सेप्टम विच इज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. ठीक है, दिस इज द इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. सो दिस इज द इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम लाइक दिस. द वेंट्रिकल नैरोज डाउन फॉर्मिंग द वेंट्रिकल नैरोज डाउन फॉर्मिंग द लोअर चैम्बर दैट इज द वेंट्रिकल. सिमिलर यू विल बी प्रोड्यूसिंग ऑन दिस साइड. This is the auricle having the atrioventricular septum and then there is a interventricular septum. ये interventricular septum हम लोग यहाँ पे बीच में show कर रहे हैं पूरा proper बड़ा. ठीक है, this is the interventricular septum and because we have the significance of interventricular septum, that is why I am separating it out and I am showing it in between also. ठीक है, बीच में भी खाली जगह आपको इसलिए show कर दी. ठीक है,
यहाँ पे आपको सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर्स आएंगे बीच में, ऐसे ही आप बनाएंगे, राइट। द सेप्टम कंटिन्यूज हेयर ऑल्सो बट इट इज हिडन बीनीथ द ब्लड वेसल, दैट इज वाई वी आर नॉट गोइंग टू मेक इट। फर्दर दिस हैज द कवरिंग, हमने बोला कि ये लेफ्ट साइड हमें फील होता है, वेल फील क्यों होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द कवरिंग पेरिकार्डियम। दिस कवरिंग इज थिन अराउंड द ऑरिकल्स एंड इट थिकन्स एज इट लीड्स टू द लास्ट बेंट एंड, ठीक है, जो लास्ट बेंट एंड है इसका, वहां पे जाके ये क्या है, थिकन हो जाती है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, ऑरिकल्स के अराउंड थिन है, जैसे ही आप वेंट्रिकल के अराउंड पहुंचाओगे वहां पे आपने इसको थिक करना शुरू कर देना है, एंड इट इज थिक एट द टिप, लास्ट टिप पे ये बिल्कुल थिक होता है, पॉइंटिंग एंड है और टिप पे बिल्कुल थिक है, ठीक है, इट इज थिक एट द पॉइंटिंग एंड, क्लियर, इट इज थिक एट द पॉइंटिंग एंड, डन। ओके, नाउ विद इन दिस देयर इज अ ब्लड वेसल दैट विच कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड आउट फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस रन्स फ्रॉम द फ्रंट साइड, इट गोज एंड बेंड्स फ्रॉम द टॉप सर्फेस ऑफ द हार्ट, ठीक है, जैसे अभी ये हार्ट है सपोज, ठीक है, दिस इज अ हार्ट, इट राइजेज फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, गोज टू द टिप एंड देन इट बेंड्स डाउन, ठीक है, ये पीछे की तरफ ऐसे कर्व हो जाता है। तो अभी हम कैसे इसको शो कर सकते हैं, सिंपल, हमने ये सेप्टम बीच में हाइड कर देना है, ठीक है, ये सेप्टम नजर नहीं आना चाहिए, सेप्टम हाइड कर देना है और इस पूरे वेसल के अंदर जो जो भी मटेरियल आया उस सारे को इरेज कर दो, ताकि ये समझ आ जाए कि दिस इज रनिंग फ्रॉम द फ्रंट साइड एंड इट इज ओनली विजिबल पार्ट इज द आयोटा, दैट इज द ब्लड वेसल आयोटा, ओके, गेटिंग। दिस ब्लड वेसल, दिस इज ऑल्सो गार्डेड बाय सम ऑफ द वेल्स, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर। हाँ जी, डन, ठीक है, नेक्स्ट इज द अनदर ब्लड वेसल दैट अराइजेस फ्रॉम द राइट साइड, बट ये अब बैक साइड से है, पहले मैंने क्या बोला था अभी आप लोगों को, जैसे ये मेरा फिस्ट क्या है, दैट इज फिस्ट साइज का होता है हमारा हार्ट, ठीक है, जितना हमारा मुट्ठी है ना, जितनी हमारी फिस्ट है उतना हार्ट होता है, ठीक है, अभी ये हमारा सपोज ये हार्ट है, तो हार्ट में फ्रंट लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज हुआ और पीछे चला गया, अब दूसरा जो ब्लड वेसल है वो राइट बैक साइड से अराइज होगा, तो आपको पहले निकलता हुआ ये नजर नहीं आ रहा, कहाँ पे नजर आएगा, जब ये बिल्कुल बाहर टिप पे हो वहां से नजर आएगा ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको शो नहीं करना, जस्ट उसका प्रेजेंस मार्क कर देना है, दैट इज द स्टार्टिंग, क्योंकि स्टार्टिंग होल नजर आएगा आपको इस हार्ट के कट सेक्शन में से, सिर्फ होल नजर आएगा एंड इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बैक साइड, तो बैक साइड है इसीलिए हम इसका डॉटेड लाइन से शो करेंगे, ठीक है, ये नजर नहीं आएगा, और नजर कहाँ आएगा, जब ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा एंड ये बनाएगा फर्दर दो ब्लड वेसल्स फॉर द फॉर लंग्स, फॉर सप्लाइंग द ब्लड टू द लंग्स, ओके, डन। And is it visible? Right? Then for carrying the blood, ये तो हुआ heart से बाहर कैसे लेके जाना है ना? अब heart के अंदर भी लेके आना है, तो उसके लिए क्या होगा? There is a blood vessel that opens at the corner of this left auricle. This opens here, okay? And this blood vessel has the connection with the two of the फर्दर ब्लड वेसल्स, दो ब्लड वेसल्स के साथ इसका कनेक्शन है, जो कि दो लंग्स में से ये ब्लड को लेके आ रहा है, ठीक है, सो ये दो लंग्स में से ब्लड को लेके आ रहा है, सो दिस इज द ब्लड वेसल विच इज कैरिंग द ब्लड फ्रॉम द टू लंग्स टुवर्ड्स द हार्ट, गेटिंग। सिमिलरली दिस इज टू कैरी द ऑक्सीजनेटेड टुवर्ड्स द हार्ट, नाउ टू कैरी द डी ऑक्सीजनेटेड टुवर्ड्स द हार्ट,
राइट साइड के लिए भी सप्लाई चाहिए, तो वो कैसे बनाना है, अपने इसी में ब्रेन के साथ साथ यहाँ पे एक ब्लड वेसल बना देना बिल्कुल उसके मार्जिन में, ठीक है। दिस इज वन ब्लड वेसल टू कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड अनदर इज फ्रॉम द लोअर ऑर्गन्स, जो हार्ट से नीचे पड़े हैं उनसे लेने के लिए यहाँ पे एक ब्लड वेसल है, जो हार्ट से ऊपर अरेंज है हमारी बॉडी में ऊपर वाले ऑर्गन्स या फेशियल ऑर्गन्स है ना, उनसे ये वाला ब्लड वेसल लेके आएगा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, ठीक है। तो ये वाला कहाँ प्रेजेंट होता है, जस्ट इमीडिएटली अबव द दिस एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, वहां पे प्रेजेंट होता है ताकि ये ब्लड सप्लाई कर सके डायरेक्टली इनटू द राइट ऑरिकल नॉट इनटू द राइट वेंट्रिकल, ठीक है। सो द ओपनिंग्स शुड बी प्रॉपर, ये ओपनिंग्स प्रॉपर होनी चाहिए आपकी टुवर्ड्स द चैम्बर्स। सो दिस इज द राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल, गेटिंग। नाउ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम ऑन द लेफ्ट साइड, इट इज गार्डेड बाय ऑन द लेफ्ट साइड, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहाँ है, ये वाला है ना जो ओपनिंग है। सो दिस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम और द पोजिशन ऑफ दैट सेप्टम दैट इज गार्डेड बाय द टू ऑफ द कस्प्स दैट इज द फ्लैप्स, दो फ्लैप्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये फ्लैप्स आपने यहाँ बनाने हैं जो कि ऑलमोस्ट इसके इनर स्ट्रक्चर को क्लोज कर देंगे, ठीक है, ताकि ये क्लोज कर दें, और देयर इज अ नैरो पैसेज दैट इज इफ दे ओपन डाउन देन देयर इज अ पैसेज अदरवाइज दे गेट क्लोज्ड एंड देन रिमूव दिस डॉटेड लाइन, ठीक है, ये जो हमने इनिशियल बनाई थी स्टार्टिंग में उस लाइन को रिमूव कर दो। दिस इज द टू ऑफ द वेल्स पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है, डाउनवर्ड्स पॉइंटिंग बनाने हैं अपने। दीज आर द गार्डेड बाय टू ऑफ द फ्लैप्स दैट आर द कस्प्स, so it is called as a bicuspid valve. But here on this side there are three valves, three of the flaps, ठीक है, तीन flaps हैं, दो ऐसे और तीसरा इस तरफ सामने, तो जब भी हम इसे कट सेक्शन किया तो तीसरा उसके साथ लगा, तो वो नहीं हम शो करेंगे, शो हम दो ही करेंगे यहाँ पे flaps, ठीक है, लेकिन होते हैं यहाँ पे तीन है, ठीक है। सो दिस इज अगेन पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, the flap-like structures pointing downwards guarding the right opening between auricle and the ventricle. Done. That is tricuspid. क्योंकि यहाँ तीन flaps हैं, यहाँ पे दो flaps. ठीक है. So this is the basic structure फिलहाल of the heart. ठीक है. Label करें यहाँ पर हम इसको. This is pulmonary vein. It's a pulmonary vein. Then this is the left auricle or the left atria भी लिख सकते हैं आप इसको, left atrium भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। Then there is aorta. This is the aorta. Aorta is the main artery. This is the main artery. Aorta. It's a main artery. These valves they are called as bicuspid valves. Bicuspid valves. The lower chamber is called as left ventricle. Left ventricle. This septum is called as interventricular septum. Interventricular septum. The outer covering of the heart is called as pericardium. Wall of the heart is called as pericardium. Coming to the right side now. This is the right ventricle. Okay. So this is right ventricle. Okay, this blood vessel is called as inferior vena cava. This is inferior vena cava. Vena cava is the main vein. Okay, जैसे aorta main artery है, vena cava main vein है, लेकिन ये main veins दो हैं, एक है superior vena cava और दूसरी है inferior
vena cava. Done. Okay. Then are the valves. These are tricuspid valves. Tricuspid valves. They were the bicuspid valves. These are tricuspid valves. Getting? And this chamber, that is the right auricle. Yeah, right atrium. Yeah, right atrium. Okay, this is the right auricle. Right auricle or right atria or right atrium. And the last two, these are the two together, they are the pulmonary arteries. Pulmonary arteries. That is pulmonary artery. Okay, the two. Getting? Now the opening of the aorta as well as the pulmonary artery. Aorta ki aur pulmonary artery ki, they are also guarded by the valves. Yahan pe bhi valves hote hain. Lekin jaise ab isme valves hai na, niche ki taraf pointing hai. Kyunki pressure yahan se lagna hai, blood idhar aana hai. Passage kya hai? Niche. Hai na? To isliye niche pointing. Ab iska pressure upar lagega, blood yahan se yahan jayega. Theek hai? To isliye inke jo ends hai wo pointing upwards hai. ताकि नीचे से प्रेशर जनरेट हो और ये और खुल जाए और ये ब्लड वापस बाहर भेज दे. ठीक है. सो दीज आर ऑल्सो गाइडेड बाय सम ऑफ द वेल्स एंड दीज वेल्स दे आर कॉल्ड एज द सेमिल्यूनर वेल्स. ठीक है. आपने बनाना कैसे? सिंपल, ये आपने इसकी ओपनिंग बनाई है. ठीक है. इसके अंदर ऑन द वन साइड, ओनली ऑन द वन साइड मेक दीज, दे आर द वेल्स. They are the valves that are the semilunar valves. ठीक है. ये है क्या? Semilunar valves. Similarly, these are the semilunar valves present on the other blood vessel as well. वैसे तो ये सारी तरफ से ऐसे गार्ड करेंगे, लेकिन आपके डायग्राम में इतनी जगह नहीं होगी इसको बनाने की. अगर बना सकते तो बना लो. बीच में उसके जगह है. That is, these are pointing upwards, they open out and the blood flows down. Out of it. ठीक है. So these are the semilunar valves. Done. ठीक है. Now this is the structure of the heart. This basically starts. This is called as a pumping unit. मैंने सबसे पहला word दिया था. ठीक है. Pump करता है blood को. तो जो generation of the heart का काम है, यानी कि generation of the this heart contraction. पहला काम, ठीक है, हार्ट की मसल्स को कंट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना, ताकि वो बीट करें, ताकि वो ब्लड को सर्कुलेट करें. तो ये वाला काम कहाँ से शुरू होता है? दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द राइट चैम्बर. राइट ऑरिकल के राइट अपर कॉर्नर में, इसी ओपनिंग के साथ यहाँ पे राइट अपर कॉर्नर में एक अलग से एक एक्स्ट्रा यूनिट है. दैट इज कॉल्ड एज अ साइनो एट्रियल नोड. ठीक है. दिस इज अ स्ट्रक्चर यू कैन से एसोसिएटेड विद द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम. This is called as SAN. इसको क्या कहते हैं? SAN, साइनो एट्रियल नोड. साइनो SINO एट्रियल नोड. साइनो एट्रियल नोड में सेल्फ एक्साइटेशन का यहाँ पे इंपल्स क्रिएट होता है. बेसिकली दिस जनरेट्स, दिस स्टार्ट्स, दिस क्रिएट्स अ कंट्रैक्शन इंपल्स. ठीक है. इसने क्या किया? इसने स्टार्ट किया उस कंट्रैक्शन इंपल्स को सबसे पहला. ठीक है. इसी चैम्बर में लेफ्ट लोअर कॉर्नर में, यहाँ इस साइड पे नियर टू द सेप्टम, ये जो सेप्टम लगा ना पूरा का पूरा, ये हमने लिखा यहाँ पे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम यहां तक जाएगा, उसके आगे इंटर ऑरिकुलर सेप्टम. ठीक है. तो वेंट्रिकुलर सेप्टम जहां खत्म हो रहे हैं, ये यहाँ पे खत्म हुआ ना अप्रोक्सीमेट लेट से. ठीक है. इसी के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर होता है, विच इज कॉल्ड एज AVN. इसको क्या कहते हैं? AVN. That is atrioventricular node.
AVN, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड. ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड AVN स्ट्रक्चर. नाउ बेसिकली व्हाट हैपेंस, इसको बड़े ध्यान से समझो पहले फिर लिखते रहना. सबसे पहला इंपल्स किसने क्रिएट किया, SAN ने. SAN यहाँ है राइट चैम्बर में, इसी राइट चैम्बर की मसल्स को इसने कंट्रैक्शन के लिए अपनी एक्साइटेशन जो है वो प्रोवाइड किया. ठीक है, इसने इंपल्स प्रोवाइड किया. ठीक है, जब ये अपने आप से जनरेट करता है उस इंपल्स को, उसी चैम्बर की अपनी मसल्स को कम से कम कंट्रैक्ट होंगी, वहीं पे इंपल्स ट्रेवल हो जाता है टू दिस पर्टिकुलर यूनिट विच इज कॉल्ड एज AVN, प्रेजेंट एट द लोअर लेफ्ट कॉर्नर. दिस इज द अपर राइट कॉर्नर, दिस इज एट द लोअर लेफ्ट कॉर्नर, जस्ट अटैच टू द इंटरवेंट्रिकुलर नोड, सॉरी दिस सेप्टम. ठीक है, अब इसके साथ जुड़ा है, यहाँ पे एक्साइटेशन आ गया कंट्रैक्शन का, यहाँ पे रोल पहुंच गया ना, मतलब यहाँ पे स्टिमुलस इसका आ गया, AVN भी कंट्रैक्ट हो जाएगा. AVN ने जब ये सिम्टम लिया, सिम्टम नहीं सॉरी सिग्नल लिया. ठीक है, जब ये AVN ने ये सिग्नल लिया, ये कहाँ पे अटैच था, इस वेंट्रिकुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के साथ. अब ये अपना ट्रैवल किसको करवाएगा, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को. ठीक है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर स्पेशल यूनिट्स अरेंज होती हैं यहाँ से, बिल्कुल इसके अटैचमेंट से. ठीक है, स्पेशल यूनिट कॉल्ड एज द बंडल ऑफ हिस, दैट इज अरेंज्ड. ठीक है, देयर इज, पहले जनरेट होता है सिंगल जो AVN के साथ अटैच्ड है, इंपल्स यहाँ हो गया. ठीक है, इंपल्स ऑफ कंट्रैक्शन यहाँ पे आ गया, ये पूरा का पूरा. अब नीचे जाते जैसे ये दो वेंट्रिकल्स के पास पहुंचेगा, दो वेंट्रिकल्स के पास आ गया ना, शुरुआत कहाँ से हुई थी, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के बीच में, यहाँ से. अब ये वेंट्रिकल्स के पास पहुंच गया, यहाँ पे आके दोनों वेंट्रिकल्स के लिए ये दो अलग अलग ग्रुप्स बना लेंगे. ठीक है, यहाँ से ये ट्रेवल करेगा, आई शो यू विथ सम अदर चॉक इफ पॉसिबल. ये देखो यहाँ पे ये दो बंडल्स बना रहा है, एक है पहला बंडल ऑफ हिस. ठीक है, अब इसने क्या किया, ये आगे दो फर्दर बंडल्स बना रहे, बंडल ऑफ हिस जो है ये दो फर्दर बंडल्स बना देगा. दिस इज फॉर द टू ऑफ द वेंट्रिकल्स रनिंग ऑल अराउंड द टू ऑफ द वेंट्रिकल्स. इस तरह से ये पूरा पूरा दोनों वेंट्रिकल्स के अराउंड इसके सेप्टम से, इसकी वॉल से प्रेजेंट. समझ आया? ठीक है, इनसे अराइज होते हैं बहुत सारे छोटे छोटे से फाइबर्स विच आर कॉल्ड एज अ पुर्किंजे फाइबर्स. ये यहाँ से अराइज होते हैं इनमें से. हेंस द एक्साइटेशन जनरेटेड बाय SAN गोज टू AVN देन टू द दिस बंडल ऑफ हिस and then finally to the Purkinje fibers and they travel it to the various muscles. अब ये क्या है, ये Purkinje fiber इसकी muscles के साथ अटैच हो गए, है ना, कितने सारे Purkinje fiber यहाँ पे spread हैं इसके साथ इसके साथ. अब दोनों sides की जो muscles हैं वहां पे उनको ये signal मिलता है and almost with the fractions of seconds, 0.1% का second को एक फर्क होता है कि दोनों में excitation आने में time लगता है, difference आता है. ठीक है, otherwise they together undergoes a contraction. ठीक है, so ये signal जो मिलता है contraction का, जिससे blood जो है वो pass out हो जाएगा to the oxygenated blood towards the different organs, deoxygenated towards the still different. ठीक है, that is the lungs. ठीक है, तो ये क्या है, contraction जो है वो तभी place हो पाएगी जब ये signal travel होता है through these particular structures. ठीक है, समझ आ गया ये सारा. ठीक है, so this is SAN, then AVN, then उसके बाद first यहाँ पे generate होता है, that is the bundle of His. ये मैं इधर लेबल कर देती हूँ, क्रॉस करके बेटा लाइंस को कभी भी आपने लेबलिंग नहीं करना. ठीक है, दिस इज बंडल ऑफ हिस मेकिंग द टू फर्दर बंडल्स एंड ईच हैविंग द फर्दर दीज फाइबर्स, द फाइबर स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड एज Purkinje, Purkinje फाइबर्स. ठीक है, हाउ द इम्पल्स इज जनरेटेड From both the sides, से ये Purkinje fibers जो हैं, ये इसकी walls की तरफ, इसकी membranes की तरफ excitation लेके जाएंगी and they then separated branched और आगे unbranched और branched होती रहती हैं and then they separated to the all muscles around the ventricles. ठीक है, this is also a reason where we say that SAN is called as a pacemaker, a natural pacemaker of the heart. Pacemakers क्या होते हैं? Pacemaker एक artificial unit है ना, जो जिसकी heart surgery हुई हो तो उनके केस में क्या है, pacemaker place कर दिया जाता है body के अंदर, in case their own heart is not impulsive, अगर वो खुद से
इंपल्स जनरेट करने के लायक नहीं है तो पेसमेकर्स लगा दिए जाते हैं हार्ट के अंदर, ठीक है, हार्ट के साथ अटैच कर दिया जाता है ताकि वो जनरेट करेगा इंपल्स और इसकी हार्ट की सरफेस के ऊपर लगा दिया जाता है और वो जो जनरेट कर रहा है इंपल्सेस वो हमारे हार्ट की कंट्रैक्शन को बढ़ाते हैं, ठीक है। वो पेसमेकर आर्टिफिशियल होते हैं लेकिन ये पेसमेकर SAN क्या है, दैट इज अ नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट, दिस इज वेयर द इम्पल्स इज जनरेटेड। हाँ जी, गेटिंग ओके। नाउ दिस ऑल्सो रन्स वन मोर ऑफ द साइकिल दैट इज कॉल्ड एज अ कार्डियक साइकिल, ठीक है। कार्डियक साइकिल हार्ट के स्ट्रक्चर के साथ ही मैं आपको समझा रही हूँ, इसको भी साथ साथ में लिख लो, नेक्स्ट टॉपिक है ये वैसे, दैट इज अ कार्डियक साइकिल। ये साइक्लिक पूरा ब्लड जो है वो पास आउट होता है, सॉरी कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल, ठीक है। हाउ दिस वर्क्स बेसिकली कार्डियक साइकिल, दिस वर्क्स इन द 3 मेजर स्टेप्स, वन सेकंड, कार्डियक, ओके, कार्डियक साइकिल, दिस वर्क्स इन द 3 मेजर स्टेप्स। फर्स्ट इज कॉल्ड एज जॉइंट डायस्टॉल, देन एट्रियल सिस्टॉल एंड लास्ट इज वेंट्रिकुलर सिस्टॉल। 3 है यहाँ पे फेजेस, ठीक है। 1 इज जॉइंट डायस्टॉल, देन इज एट्रियल सिस्टॉल, देन इज वेंट्रिकुलर सिस्टॉल, ठीक है। अब इसमें जॉइंट डायस्टॉल, सबसे पहले हमने सिर्फ एक साइड पे देखना है, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पहले देखो, फिर राइट साइड सेम ही, ठीक है। अब लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, दिस इज जॉइंट डायस्टॉल, डायस्टॉल टर्म स्टैंड्स फॉर रिलैक्सेशन, ठीक है। जब हम कहते हैं कि दोनों रिलैक्स हो रहे हैं तो हम बायोलॉजिकल टर्म लगाते हैं डायस्टॉल, ठीक है। अब ये दोनों चैम्बर्स हैं, ये ऑरिकल ये वेंट्रिकल, दोनों चैम्बर्स हैं, दोनों चैम्बर्स जॉइंट डायस्टॉल में दोनों रिलैक्स फेस पे ओपन है, ठीक है, दोनों रिलैक्स फेस पे। अब इसमें क्या हुआ, जब ये दोनों रिलैक्स में आते हैं तो ये एक सिग्नल प्रोड्यूस हो रहा है कि नाउ फ्रॉम द लंग्स पल्मोनरी वेन कैन पास द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द अपर चैम्बर, ठीक है। अब ये दोनों पहले रिलैक्स फेस पे थे, जैसे ही ब्लड इसके अंदर आया, ऑरिकल के अंदर आया, वेंट्रिकल ने बंद हो जाना, वेंट्रिकल बंद हो जाएगा, उतने समय तक के लिए बंद रहेगा जब तक के लिए ब्लड को यहाँ पे रुकना है, क्योंकि एक साइक्लिक फिनोमेना है ना, एकदम से सारा रश नहीं करवा सकते, भगाते नहीं, सो 0.4 सेकंड, 0.8 सेकंड ऐसे के लिए रुकता है उसके, ठीक है, उतने समय के लिए रुक गया। हमने वेंट्रिकल का पहला नाम नहीं दिया बंद होने का, मैंने ऑरिकल को दिया, क्यों, क्योंकि जहां जहां ब्लड पैसेज है, ब्लड पास हो रहा है, सिर्फ उसी फेज को नाम देना, ठीक है। जैसे पहले जॉइंट डायस्टॉल को नाम दिया क्योंकि ब्लड पास होके अंदर आ, अभी तो यहीं पड़ा तो नाम नहीं दिया वेंट्रिकल के बंद होने को, ठीक है। अब सेकंड टाइम क्या होगा, एट्रियल सिस्टॉल, ये कंट्रैक्ट होगा और अल्टरनेटिवली ये रिलैक्स होगा, ये दोनों अल्टरनेटिव काम करते हैं, ठीक है। ऑरिकल में ब्लड था, ये कंट्रैक्ट हो रहा है और ये खुल रहा है, ये अपने अंदर से ब्लड को कंट्रैक्ट करके कहाँ भेज देगा, वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल कैच करने के लिए खुल गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड फेज, दैट इज कॉल्ड एज एट्रियल सिस्टॉल, ऑरिकल कंट्रैक्शन, ठीक है, एट्रियल कंट्रैक्शन, ऑरिकल कंट्रैक्शन, डन। अब जब ये ऑरिकल कंट्रैक्शन हुआ, वेंट्रिकल खुल गया, इसके अंदर ब्लड आ गया, अब 0.8 सेकंड के लिए यहाँ पे रहेगा, उसके बाद क्या होगा, दिस विल फर्दर अंडरगो द ऑल्टरनेटिव कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, है ना। अब ये वापस फिर से इसने कंट्रैक्शन देना है, ये रिलैक्स है। इस समय में जब पहले ऑरिकल कंट्रैक्ट हुआ था, ये वेल्स नीचे पॉइंटेड थे, जब यहां से पंप हुआ तो ये वेल्स और ओपन हो गए, खुल गए ताकि ब्लड नीचे चला जाए, ठीक है। लेकिन जब ब्लड ने वेंट्रिकल कंट्रैक्शन लिया, थर्ड वाला वेंट्रिकल सिस्टॉल जब हुआ, जब नीचे से वेंट्रिकल कंट्रैक्शन आया, ये वेल्स ऐसे नीचे पड़े हैं, है ना, नीचे को पॉइंटिंग है, नीचे प्रेशर जनरेट हो रहा है, तो ये ऊपर आगे अटक जाएंगे, दे विल नॉट ओपन ऑन द ऑरिकल साइड, दे विल बी जस्ट लाइक फिक्स हेयर, ठीक है, रुक जाएंगे यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आके रुक गए। अब प्रेशर जनरेट हुआ, ये तो खुल गया पर ब्लड यहाँ नहीं आया, ब्लड कहाँ गया, दैट इज टुवर्ड्स द सेमिलूनर वेल्स, जो ऊपर प्लेस थे, ओपन टुवर्ड्स अपर साइड, प्रेशर लगा, खुल गए और ये ब्लड बाहर, ठीक है। तो सेकेंड टाइम जो प्रेशर लगा वेंट्रिकल्स में, उसको हम बोलेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टॉल। यही सिग्नल ट्रांसफर हो गया राइट साइड पे, जहां अब ये दोनों इकट्ठे जॉइंट डायस्टॉल दे रहे हैं, फिर ये एट्रियल सिस्टॉल, फिर ये वेंट्रिकुलर सिस्टॉल और वापस बाहर, ठीक है। सो सिमिलरली द ब्लड पासेस आउट, हार्डली देयर इज अ जस्ट फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स का डिफरेंस,
among us are left and the right side, but otherwise they are just working on the same hand. ठीक है, मतलब हार्डली सिर्फ ये देखो यहाँ पे सिर्फ ट्रेवल कर रहा है सिग्नल, इकट्ठा कंट्रैक्शन है ना, तो सिर्फ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स, पॉइंट सम सेकंड्स का डिफरेंस आता है दोनों लेफ्ट और राइट साइड के बीच में. ठीक है, तो दिस इज द चैम्बर्स हाउ दे वर्क, हाउ द ब्लड इज पास्ड ऑन, दैट इज थ्रू दीज थ्री स्टेप्स, जॉइंट डायस्टॉल, एट्रियल सिस्टॉल, वेंट्रिकुलर सिस्टॉल. किसी को कोई डाउट है? हाँ जी बेटा, एनीथिंग विच इज नॉट अंडरस्टूड टू यू फ्रॉम टूडेज लेक्चर?